दोस्तों, जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रेवल प्लान्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में बात आती है वो होती है किसी भी कंट्री का वीज़ा। और अगर हमें कंट्रीज़ विज़िट करनी हो यूरोप, जैसे शेंजन वीज़ा लेना हो या यूके वीज़ा लेना हो या और कई वीज़ाज जो इंडियंस को बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और यूरोपियन पासपोर्ट जिनमें शेंजन वीज़ा खासकर जो आते हैं उनकी रैंकिंग बहुत हाई होती है, और एक अप्रॉक्स 180 प्लस कंट्रीज जो उनकी वीज़ा फ्री एक्सेस या वीज़ा ऑन अराइवल होते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2021 के मुताबिक उसकी रैंकिंग है 16वें नंबर पर, और 173 कंट्रीज का वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एक्सेस है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो 99% अदर नेशनैलिटीज को वीज़ाज इशू कर देते हैं, वो भी विदाउट किसी डॉक्यूमेंट्स के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। इंडियंस के लिए दुबई का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट्स पर भी इशू हो जाता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि नहीं तो वहाँ कोई ओवरस्टे कर सकता है, नहीं कोई विदाउट वर्क वीज़ा के वहाँ पर काम कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूएई का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बताएं कि यूएई के वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ही सिंपल है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स नहीं के बराबर हैं। आपको चाहिए सिर्फ एक फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, अगर वाइट हो, जिसको फिजिकल कॉपी भी आपको नहीं देनी है। दूसरा, आपको देना है अपने पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी। इससे ज़्यादा यूएई के वीज़ा के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत ही अलग अलग बाहर की वेबसाइट से इंडियंस अपने वीज़ा को अप्लाई करते हैं सस्ते की वजह से, और उनके वीज़ाज अटक जाते हैं। इंडिया में जो रिलायबल वेबसाइट है वो मेक माई ट्रिप ही मुझे अच्छी लगती है। हालांकि मैंने उनसे वीज़ा अप्लाई नहीं किया, वहाँ पर उसका खर्चा अप्रोक्स 6,000 से 6,500 के बीच आता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है फिलहाल कि आपको 10 या 11 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ता तो ही वो आपकी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। मान के लीजिए कि अगर आपका ट्रेवल है 25 तारीख का, तो आपको 15 तारीख से पहले अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटोग्राफ और पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, और आपका वीज़ा लगभग एक हफ्ते के अंदर मेक माई ट्रिप भी इशू कर देता है। दोस्तों, लेकिन मैंने मेक माई ट्रिप से वीज़ा इशू नहीं कराया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। तो मैंने अपने दोस्तों का वीज़ा अप्लाई किया था अपने एक फ्रेंड के थ्रू, उसमें वही मैंने सेम डॉक्यूमेंट्स दिए, सिर्फ एक फोटोग्राफ और पासपोर्ट की कॉपी जो कि मैंने उन्हें ईमेल की थी, और उसी के थ्रू हमारा वीज़ा आ गया था सिर्फ 48 घंटे के अंदर। जी हाँ, मुझे उनके थ्रू वीज़ा मिल गया था 48 आवर्स के अंदर ही। और वीज़ा की कॉस्ट जो मुझे मेरे दोस्तों के लिए पड़ी थी वो थी सिर्फ 7,000 रुपये, जिसके अंदर आपका एक महीने का ट्रेवल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था। और उनसे मैंने वीज़ा इसलिए भी करवाया था क्योंकि अब मैंडेटरी हो गए ट्रेवल इंश्योरेंस दुबई के लिए जब से कोविड की ये नई गाइडलाइंस जारी हुई। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कल को कहीं कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है और आप बीमार हो जाते हैं, कोई कोविड रिलेशन कोई इशू आ जाता है, तो आप यूए की अप्रूव्ड इंश्योरेंस ही करवाइए, आपको क्लेम या किसी भी तरीके हॉस्पिटलाइजेशन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आपको कोई वीज़ा रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको विद इन 48 आवर्स या मैक्सिमम 72 आवर्स में आपको वीज़ा इशू करा के दे सकते हैं अपने फ्रेंड के थ्रू। अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी आईडी है deepak.kaushik44। वहां मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और आप सीधा उनसे बात करके अपना वीज़ा इशू करा सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे प्रोसीजर की, जिसमें अगर आपके पास यूएस का वीज़ा वैलिड हो तो आपको क्या करना है। दोस्तों, वैलिड यूएस वीज़ा होल्डर्स के लिए भी अब एक प्रॉब्लम आ गई है कि अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा हुआ करता था तो आप सीधा बोर्ड कर लिया करते थे एयरक्राफ्ट, लेकिन अब बोर्डिंग करने से पहले किसी भी एयरलाइन को यूएस की वीज़ा कॉपी मेल करनी होती है दुबई इमिग्रेशन पर। अगर उनका अप्रूवल आ जाता तो ही आपको बोर्डिंग पास इशू किए जाते हैं, हालांकि वो बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। वहां पर अगर आप यूएस वीज़ा के थ्रू जाते हैं दुबई तो आपको सिर्फ 120 दिरहम से चार्ज होते हैं, जो कि लगभग होते हैं 2400 रुपये के आसपास। लेकिन इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे के आसपास वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब दुबई इमिग्रेशन का अप्रूवल वहां से आता है उसके बाद ही आपको बोर्डिंग पास इशू होता है और आप आगे जा सकते हैं। हालांकि मुझे लग गए थे लगभग 40 मिनट, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 1.5 घंटा भी लग सकता है। दोस्तों, ये थी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक जिससे मैंने दुबई में बुक किया हयात होटल 15,000 रुपये डेली का सिर्फ 5,000 रुपये में, और वो भी विद ब्रेकफास्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।